अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोती वाला गला। मोती वाले गले की हम मुकम्मल स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपने कटिंग किस तरीके से करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमने ले लिया पेपर पट्टी। पेपर पट्टी लेने के बाद आपने पेपर पट्टी को इस तरीके से आपने डबल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने 3 इंचज की मेजरमेंट करनी है। 3 इंचज की मेजरमेंट करने के बाद यहां पे 7 इंचज के ऊपर निशान लगा लेते हैं। सेवन इंचज के ऊपर निशान लगाते हुए आगे जो मेजरमेंट हमने लेनी है वो 8 इंचज थी। 8 इंचज थी। अब यहां पे हमने गुलाई की शेप में यहां पे हमने इसको ले आना है। गुलाई की शेप में लाने के बाद यहां पे 1 इंचज का हम गैप देंगे। गुलाई में शेप में लाते हुए यहां पे 1 इंचज का गैप देंगे और वहां पे ऊपर हम निशान लगाएंगे। निशान लगाएंगे और वहां से हम बिल्कुल स्ट्रेट हम इंची टेप को रखते हुए बिल्कुल सीधी एक लाइन लगा लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जब आपने लगानी है तो एंड पे आपने 1/2 इंचज आपने छोड़ देना है। एंड पे आप 1/2 इंचज जो है ये आप छोड़ दोगे और इस तरीके से आप निशान लगा लोगे। आप सुई की मदद से इसको यहां पे इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, और कैंची की मदद से हम यहां पे कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से गले की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। पेपर पट्टी से हमने इसकी प्रॉपर शेप बना ली है। अब यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। ये है वो कपड़ा, ये कमीज है जिसके जिसका ये ट्राउज़र है। तो ट्राउज़र के ऊपर हम इस गले को अटैच कर लेंगे। इस्त्री की मदद से अटैच करने के बाद जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है और ये इस तरीके से हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब इसको डबल करेंगे और इसके मिड में हम निशान बना लेंगे। ये हमारी वो कमीज़ है जिसके ऊपर हमने गला बनाना है। तो कमीज़ का जो मिड होता है उसमें भी आपने निशान बना लेना है, और इसी तरह जो गला है गले का दरमियान का हिस्सा होता है उसके ऊपर भी इस्त्री की मदद से निशान बना लिया जाता है। इसको निशान को बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका गला जो होता है हमेशा सेंटर में लगता है और आपको आपका गला जो है वो टेढ़ा नहीं होता और गला जो है बहुत खूबसूरती से मिड में अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे सुई की मदद से आप इसको अटैच कर लें ताकि हम जब हम सिलाइयाँ लगाएं तो ये अपनी जगह से खिसके ना और अपनी जगह पे फिक्स रहे। अब यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेते हैं। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे, पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई हम नहीं लगाएंगे।
उसके बाद जितना भी इसका सेंटर का कपड़ा था उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसके जो है कट लगाएंगे। कटिंग मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे हम कट लगाएंगे। कट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इसकी शेप जो है बहुत अच्छी बने और जो हमारा गला जो तैयार हम करेंगे उसमें बहुत सफाई आ जाएगी। बिल्कुल छोटे छोटे आपने कट लगाने हैं। सिलाई का आपने ध्यान रखना है कि सिलाई के ऊपर आपका कट ना लगे। कट लगाने के बाद आपने इसको एक दफा इस्त्री कर लें ताकि तमाम सिलाइयां बैठ जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ये यहां पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था यहां पे हम सिलाइयां लगा लेते हैं। अब यहाँ पे इसको इस्त्री कर लें, इस्त्री कर लें ताकि इसकी शेप जो है उसमें सफाई आ जाए। सिलाई कर लेने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमने इसका सेंटर का पार्ट जो है उसके सेंटर के पार्ट की जो हमने अटैच करना है उसके लिए मैंने पेपर पट्टी को कट कर लिया। पेपर पट्टी को हम इस तरीके से इस कपड़े के ऊपर हम अटैच कर लेंगे। पेपर पट्टी को हम इस कपड़े के ऊपर लगा लेते हैं। इस कपड़े के ऊपर लगाने के बाद हमने इसकी जो साइड की सिलाई है वो लगानी है। चारों साइड पे हमने साइड की सिलाइयाँ लगानी है। उसके बाद ये जो मैरून कपड़ा है इसके साथ हम बनाएंगे फ्रिल। इसकी सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, विड्थ देख लेते हैं, तो वो बन रही है 4.5 इंचेस। उसको हम इस तरीके से दरमियान से कट कर लेते हैं और इसकी दो पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सेंटर में इसको अटैच कर लेते हैं। ये बन रहा है 2 इंचेस के करीब कपड़ा। इसको हम डबल करेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे फ्रिल। तो फ्रिल बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे मशीन का जो बहिया है उसको आपने फुल कर लेना है। मशीन के बहिये को फुल कर लेंगे जैसे आमतौर पर चुनट वगैरह डाली जाती है और मशीन का बहिया फुल किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से। और इसका धागा एक साइड से खींचते हुए हमने इस कपड़े को बिल्कुल फ्रिल शेप में ले आना है। ये जो सेंटर का कपड़ा है ये वाला, इसके दरमियान में मैंने इस्त्री की मदद से निशान बना लिया इसको डबल करके। तो इसको अब अटैच करना आपको बताती हूँ कि आपने इसको फ्रिल के साथ अटैच किस तरीके से करना है। 1/2 इंचेस के करीब हम इसको अंदर रखेंगे और इस तरीके से फ्रिल को हम इसके अंदर अटैच कर लेंगे। तो आप कंप्लीट प्रोसेस देखें कि मैं इसको किस तरीके से अटैच करती हूँ। सिलाइयों को हम गले के ऊपर से लाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगाते हुए नीचे तक हम ले आएंगे और उस फ्रिल को अटैच करना स्टार्ट करेंगे।
फ्रिल को अटैच करने के बाद अगेन हम ऊपर तक सिलाई को ले जाएंगे। और सिलाइयाँ बिल्कुल आप किनारे के ऊपर लगाओगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारा जो गला है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हम इसमें मोती लगाएंगे। तो मोती लगाने का क्या तरीका है वो भी आप देखो। ये मेरे पास मोती हैं जो मैं अटैच करूंगी। हम तीन तीन मोती लगाएंगे ऊपर, दरमियान में और लास्ट पे। इसको ऊपर से इस तरीके से आपने बंद कर लेना है। बंद कर लेने के बाद इसके अंदर अब यहां पे हम मोती अटैच करेंगे। इसके बैक साइड से इसको मजबूत कर लेंगे, बैक साइड से इसको मजबूत कर लेंगे ताकि हमारे जो मोती हैं वो अच्छे तरीके से अटैच हो जाएं और टूटे ना। अब ऊपर वाले तीन मोती और नीचे वाले मोती जो हमने अटैच करने हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस हम रखेंगे वो 2.5 इंचज़ का रखेंगे। 2.5 इंचज़ का हम डिस्टेंस देंगे और यहाँ पर अगेन हम सुई की मदद से मोती लगाएंगे। फाइनली इस तरीके से मोती वाला गला जो है आप तैयार कर सकते हो। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।